प्रसाद यादव के बेटे और छात्र आरजेडी के संरक्षक तेज प्रताप ने अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक विवाद के बाद प्रदेश आरजेडी कार्यालय में एक दिवसीय बैठक में तेज प्रताप यादव ने पार्टी अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हिटलर बता दिया। उन्होंने कहा कि पहले और अभी के आरजेडी कार्यालय में जमीन आसमान का अंतर है। तेज प्रताप ने कहा कि लोगों ने मनमानी शुरू कर दी है तो हमने मिमिक्री शुरू कर दी है। इस दौरान तेज प्रताप ने मन से दो बार मनमानी है कहा। आरजेडी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान कार्यालय के दो मुख्य में एक गेट बंद था तो एक आधा खुला था। इस पर भी तेज प्रताप भड़क गए। बोले, लालू प्रसाद यादव के समय सभी गेट जनता के लिए खुले रहते थे, अब अनुशासन के नाम पर तानाशाह की तरह गेट भी बंद रखे जाते हैं। इस कड़ी में अपनी ही पार्टी को समझाते हुए भी तेज प्रताप ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद छात्र आंदोलन की उपज है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, छात्र नौजवान ठगे जा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, बिना रिश्वत कोई कार्य नहीं कर रहा है, अधिकारी जनता की बात नहीं सुनते हैं। ये सब बिहार में देखा जा रहा है, लेकिन लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री काल में अधिकारी डरते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। अब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में अंदर ही अंदर तू तू मैं में चल रही है। लालू प्रसाद के विचारों को हमें जन जन तक लेकर जाना है, डिजिटल इंडिया बनाना है, शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना है, स्मार्ट गांव बनाने हैं। उन्होंने कहा कि अपनी ही पार्टी को बिहार में सबसे ऊपर लाना है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।